हाल ही में विधु विनोद चोपड़ा की कुछ पुरानी फिल्में सिनेमाघरों में लगी थी, परिंदा और 1942 अ लव स्टोरी हमने भी देखी। ये वैसी फिल्में थी जिनमें रियल और कमर्शियल सिनेमा की लाइन ब्लर होती है। इन्हें देखते हुए लगा अगर इसे फॉर्मूला फिल्म मेकिंग कहते हैं तो ऐसी और फिल्में बननी चाहिए। बहरहाल इस फैंडम से खुद को बचाते हुए, अलग रखते हुए उनकी हालिया रिलीज 12th फेल मैंने देख ली है, बताते हैं कैसी है। फिल्म अनुराग पाठक की किताब 12th फेल पर आधारित है और ये किताब सच्ची घटनाओं पर आधारित है। मनोज कुमार शर्मा के चंबल के गांव से निकलकर IPS बनने की कहानी, इस बीच उनके क्या संघर्ष रहे, कैसे एक लड़का जो IPS का आई भी नहीं जानता था बिना पैसों के दिल्ली आता है, UPSC एग्जाम में झंडे गाड़ता है, इन सब में उसका साथ देती है गर्लफ्रेंड श्रद्धा, मतलब उसका साथ देती है गर्लफ्रेंड श्रद्धा और उसका प्रेम। ये फिल्म इस मिथक को तोड़ती है कि प्रेम पथ से विचलित करता है, कई बार इनफैक्ट ज्यादातर बार प्रेम पथ से विचलित हो रहे व्यक्ति को संतुलन देता है। विनोद चोपड़ा की फिल्मों को आप देखेंगे तो उनकी स्टोरी टेलिंग के साथ साथ सिनेमेटोग्राफी में भी कुछ अलग बात होती है। 12th फेल भी कोई अपवाद नहीं है। फिल्म में चंबल वाले दृश्यों को रंगराजन रामभद्रन ने कई कई मौकों पर बहुत अच्छे ढंग से फिल्माया है। डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में वो हैंडहेल्ड कैमरा लेकर भागे हैं। इसके अलावा एक दो शॉट को मैं स्पेशल मेंशन का अवार्ड देना चाहूँगा। एक जगह मनोज अपनी जुगाड़ वाली गाड़ी, एक जब फिल्म देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, जुगाड़ वाली गाड़ी पर जा रहा होता है, उसका भाई उसके साथ पे होता है, उसी गाड़ी पर कैमरा उस गाड़ी के साथ साथ चल रहा होता है, अचानक उस गाड़ी के सामने एक और गाड़ी आ जाती है, ऐसे में कोई कट नहीं आता, कैमरा जो ड्रोन कैमरा चल रहा होता है गाड़ी के साथ साथ में वो कैमरा पीछे होता जाता है और एकदम से टाइट फ्रेम वाइड एंगल बन जाता है। कोई नया प्रयोग नहीं है लेकिन सुंदर तो है ही। ऐसे ही एक छाते के अंदर से POV शॉट है। हालांकि मनोज के दिल्ली आने के बाद कैमरा वर्क और सिनेमेटोग्राफी बहुत साधारण हो जाती है, उसकी रॉनेस खत्म हो जाती है। अच्छा कैमरा वर्क वो होता है या सिनेमेटोग्राफी वो होती है जिसमें नंगी आंखों से जो आप देख सकते हैं हूबहू वैसा ही स्क्रीन पर ट्रांसलेट हो। दिल्ली वाले सीन्स में ये मिसिंग है। बहरहाल अब आते हैं स्टोरी टेलिंग पर। ऐसी हमने 12th फेल जैसी कई कहानियां देखी हैं। मुखर्जी नगर के संघर्षों को देखते हुए कुछ कुछ मौकों पर TVF एस्पिरेंट्स याद आता है और इसमें आपको एक संदीप भैया जैसा किरदार भी मिलेगा जो सबकी मदद करता है। कहने का मतलब है UPSC एस्पिरेंट्स की लाइफ कमोबेश एक सी होती है। इस फिल्म में भी उसी तरह की लाइफ दिखती है लेकिन विधु विनोद चोपड़ा ने हाथ लगाया है तो ट्रीटमेंट अच्छा हो गया है। कुछ कुछ सीन्स बहुत ज़्यादा इमोशनल बन पड़े हैं। फिल्म देखते हुए लग रहा था कि मैं फिजूल में ही भावुक हो रहा हूँ लेकिन सिनेमाघर में बैठा एक बड़ा ग्रुप जो पहले हंस रहा था कई सीन्स में अचानक रोने लगा। यहीं पर डायरेक्टर जीत गया, उसने दर्शकों को फिल्म के साथ जोड़ लिया। एक सीन है जहाँ मनोज आटा चक्की के अंदर काम कर रहा होता है, उसके पिता उससे मिलने आते हैं। इस सीन में साइलेंस का इस्तेमाल बहुत शानदार किया गया है। चक्की की घरघराहट अचानक से बंद होती है। मनोज के पापा खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं, अब अपनी ईमानदारी छोड़कर वो भी कालाबाजारी करेंगे। वो कहते हैं हम जैसे लोग कभी जीत नहीं पाएंगे। इस पर मनोज कहता है लेकिन हार भी तो नहीं मानेंगे। ऐसे ही कई इमोशनल सीन्स फिल्म में हैं। कुल मिलाकर ये पूरी फिल्म इमोशंस की गठरी है। विधु विनोद चोपड़ा साउंड का इस्तेमाल भी बहुत अच्छा करते हैं। एक इंटरव्यू में जैकी श्रॉफ ने उनके सीन ट्रांजेक्शंस के लिए साउंड कट इस्तेमाल करने की बात कही थी। इस पिक्चर में भी एक आध जगह ये दिखता है। पहला तो जब मनोज का भाई दुनाली से फायर करता है या फिर पटाखे की आवाज़ हो, चोपड़ा की फिल्म के हर सीन में कोई ना कोई आसपास की तीखी आवाज़ आती रहेगी लेकिन ये तीखापन भी माहौल में घुल रहा होता है, जैसे कुत्ते की आवाज़ हो, घड़ी की टिक टिक हो या फिर ऑटो चलने की आवाज़ हो। ये बतौर दर्शक हमारे सिनेमैटिक, हमें पता नहीं चलता लेकिन ये बतौर दर्शक हमारे सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को बहुत रिच बनाता है। मनोज के रोल में विक्रांत मैसी ने फोड़ा है, मतलब लिटरली फोड़ा है। टॉप क्लास परफॉर्मेंस है, एकदम वैसा काम है जैसा विकी कौशल ने सरदार उधम में किया था। उनके भविष्य में बहुत रोशनी होने वाली है। मनोज वाले किरदार की तरह ही उनकी एक्टिंग का चंबल काल खत्म होकर अब दिल्ली काल शुरू होने वाला है। शुरू से लेकर अंत तक
जैसे जैसे मनोज में बदलाव आया है वैसे ही वैसे विक्रांत मेसी की बॉडी लैंग्वेज में भी बदलाव दिखता है आपको फिल्म में। उनकी अभिनय कुशलता का उदाहरण देने के लिए किसी एक सीन को मेंशन करना बेमानी होगी। उन्होंने पूरी फिल्म में, फिल्म के हर एक सीन में कमाल काम किया है। मनोज की गर्लफ्रेंड श्रद्धा के रोल में है मेधा शंकर, उन्होंने उम्मीद के मुताबिक काम किया है, बहुत ज़्यादा कोई लीक से हटकर काम उन्होंने किया नहीं है। मनोज के यूपीएससी सीनियर के रोल में अंशुमन पुष्कर का काम भी अच्छा है, इससे पहले हमने उन्हें ग्रहण में देखा था। और कटहल वाले अनंत विजय जोशी का काम भी सदा हुआ, एक्टिंग फ्रंट पर फिल्म कमाल है। यहाँ तक कि दृष्टि आईएएस वाले विकास दिव्य कीर्ति ने भी सही एक्टिंग कही है। यहाँ तक कि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो नॉन एक्टर हैं, वो एक्टिंग नहीं करते, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। कुछ मौक़ों पर फिल्म ओवर ड्रामेटाइज हो जाती है, लगता है कि ये सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है, नहीं ऐसा मुझे लगा, खासकर इंटरव्यू वाले हिस्से में ऐसा मुझे महसूस हुआ। बहरहाल फिल्म देखने लायक है, विक्रांत मैसी के लिए तो ज़रूरी देखनी चाहिए, जाइए नज़दीकी सिनेमाघरों में, लगी है देख डालिए।